नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं 40 डेज एक्शन प्लान पिनेकल की तरफ से क्या हो रहा है उसके बारे में मैं जानकारी देता हूं। तो जो कि 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी लगभग 40 डेज का टाइम बचा हुआ है, 40-45 डेज का आसपास टाइम बचा हुआ है सीएचएसएल के एग्जाम में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाला है। जो स्टूडेंट 2018 का सीजीएल देंगे उनके लिए सेमीफाइनल होगा, और जो सीएचएसएल की जॉब लेना चाहते हैं डेफिनेटली उनके लिए तो फाइनल ही होगा। तो किसी भी एग्जाम को आप लाइटली नहीं ले सकते, भले ही आप सीजीएल 2018 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा, और 170 के आसपास अगर स्कोर करते हैं आप तो काफी ज्यादा आपकी पोजीशन ये होगी कि जॉब मिल सकती है। एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको कंसंट्रेशन है, आपका फोकस है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम कभी बार बार पोस्टपोन हो जाते हैं। कभी 2018 का पोस्टपोन हो गया, 2017 का पोस्टपोन हो गया, टायर टू कभी सीएचएसएल है उसमें कई बार आपको ये लगता है क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि ध्यान हटने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आपका ध्यान भी हटा सकता है। उसके बाद फिर एसएससी है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आजकल न्यूज चैनल पे भी कुछ एक सीरीज चल रही है जिसकी वजह से आपका ध्यान है कहीं कहीं हटने की पूरी पूरी संभावना है। तो पिनेकल ये कोशिश कर रहा है कि आपका ध्यान इस 40 दिन के अंदर प्रिपरेशन में ही रहे, इस 40 दिन में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें, जिससे कि जो स्टूडेंट ध्यान नहीं हटाना चाहते और जिनको अपने ऊपर एसएससी के ऊपर अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस है कि वो जॉब लेंगे, और ये गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, इस गवर्नमेंट के सिस्टम भले ही अनप्रोफेशनल हो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी जो जितनी जॉब है उतनी तो जॉब लगेगी ही लगेगी। तो इस दौरान बहुत कई स्टूडेंट है चैलेंज से गुजर रहे होंगे। किस तरह के चैलेंज है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं होगा हुआ होगा जबकि वो पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा उसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की होगी और कोचिंग ने कुछ प्रोमिस किया होगा, डिलीवर नहीं किया होगा। जैसे कि आमतौर पर क्या हो जाता है कि जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, और सीएचएसएल के लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, यहां तक कि सीजीएल के लिए चारों ही इंपॉर्टेंट है। सीजीएल में क्या होता है कि मैथ और इंग्लिश पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, लेकिन यहाँ पे सीएचएसएल में चारों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। कोचिंग कई बार क्या होता है, जब आप अगर इस तरह की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा रेपुटेड नहीं है, या सस्ते के चक्कर में ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाते या चारों सब्जेक्ट पे ऐसा फोकस नहीं कर पाते जितना होना चाहिए। ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन मोड का भी सहारा लेने की कोशिश करते हैं, और ऑनलाइन में वो फ्री या सस्ते के चक्कर में क्या है कि वो ट्रैप में आ जाते हैं सोशल मीडिया के, जो व्यूअरशिप है, सब्सक्रिप्शन है, जहां पे भी आप फेसबुक है, आपको अलग अलग ग्रुप में घुमाया जाएगा। या फिर क्या हो जाता है कि यूट्यूब की भी बात करूं मैं, तो आप जो भड़कीले और जो एक थंबनेल होते हैं जिसके ऊपर ऊपर कुछ लिखा होता है, या बार बार आपको कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, जो मुद्दों एक्चुअल में पढ़ाएगा मुद्दा नहीं है वो, और जो भड़काने वाले, कभी आपको जबरदस्ती गाइडेंस दी जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो उसकी तरफ आप ध्यान चला जाता है, क्योंकि जो सोर्स ऑफ अर्निंग होती है सोशल मीडिया पे वो व्यूअरशिप ही होती है, सब्सक्रिप्शन ही होती है, और वो ज्यादातर गूगल के पास भी जाती है। तो इसका मतलब आप अपने टाइम के रूप में, आपको लग रहा है कि आप फ्री है, लेकिन आप अपना बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो टाइम है एक्चुअल में गूगल यूज कर रहा है, वो एड दिखाकर कर रहा है, और उससे गूगल को बहुत ज्यादा फायदा होता है, आपको अपना फायदा नहीं हो रहा इतना जितना जैसा आपको कई बार लगता है। कुड नॉट मेक रूटीन, आप रूटीन नहीं बना पाते, आपका शेड्यूल कंप्लीट नहीं हो पाता कभी भी। चार ये चैलेंज आपके सामने आज के टाइम में जरूर हो रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट के सामने, हालांकि सबके सामने तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ बहुत सारे स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं और अपना सिलेबस या ऑनलाइन प्रैक्टिस जितनी चाहिए उतनी नहीं कर पा रहे हैं। 4 सब्जेक्ट जो होते हैं, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है, वो अच्छी तरह से आप प्लान नहीं कर पा रहे किया होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कई बार क्या होता है कि मैथ होता है जो ज्यादा व्यूअरशिप खींच जाता है, या मैथ इंग्लिश होता है ज्यादा व्यूअरशिप कर देता है, रीजनिंग पढ़ाएगा कोई देखेगा नहीं, लेकिन ये चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बायोलॉजी पढ़ाए या आपको फिजिक्स पढ़ाए शायद आप नहीं देखे। तो आमतौर पर क्या होता है कि मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो आप गुमराह से हो जाते हैं वहां पे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, चारों सब्जेक्ट का अच्छे ढंग से प्लानिंग करके हर रोज जितना 8 या 10 घंटे आपके पास टाइम होता है, क्या आप पिछले एक हफ्ते में 8 या 10 घंटे लगातार हर रोज पढ़े हैं या नहीं पढ़े? लगातार का मतलब कि 24 घंटे में क्या आपने 8 से 10 घंटे का स्लॉट है वो इफेक्टिव स्टडी को दिया है, नहीं दिया? डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं दिया होगा, और किस में फंसे होंगे, रवीश कुमार की रिपोर्ट में, एनडीटीवी में, हालांकि वो भी देख लो चाहिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, और उसकी वजह से आपका डेविएशन नहीं होना चाहिए। आप समझ लो ठीक है,
लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए आपको इस तरह की चीजें देखकर। फिर उसके बाद क्या है कि जो सिलेब आमतौर पे एसएससी के कोर्ट केस होते हैं उनमें भी आपका डेविएशन नहीं होना चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए। मे नॉट हैव कोप अप विद द न्यू ट्रेंड एज यूज ट्रेडिशनल मॉडल बुक लर्निंग मॉडल। आमतौर पे क्या होता है कि जो नया ट्रेंड है, नया ट्रेंड का मतलब क्या है कि पिछले एक साल में देखो 70 सेट है कम से कम सीएचएसएल के, 40 सेट है कम से कम सीजीएल 2017 के, 40 सेट है कम से कम 2016 सीजीएल के। तो ये ऐसे सेट हैं जो कि ऑनलाइन मोड पे अभी एसएससी ने पिछले एक साल में किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे नए ट्रेंड के मुताबिक आपको नजर आएंगे। लेकिन स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो किताबों को ज्यादा फॉलो कर लेते हैं और किताबों में क्या होता है 1990 से लेकर 2012 या 13 या 15 तक की चीजें होती है, जबकि एक्चुअल में जो अभी जो रुझान है वो थोड़ा डिफरेंस है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इतनी तैयारी कर रहे हैं इतनी, जबकि करनी कितनी थी आपको इतनी करनी थी, और वो तैयारी क्या है जो आप कर रहे हैं वो आउट ऑफ द ट्रैक है। आप बोलेंगे कि किताबों में आमतौर पर बहुत ज्यादा ये नई चीजें 70 टेस्ट है, वो हो सकता है किसी किताब में आए हो लेकिन कईयों में नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आप नई चीज पे फटाफट फॉलो करते हैं, कोई पब्लिशर फॉलो करता है तो उसकी कॉस्ट बहुत होती है, क्योंकि पहले तो इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा जो कि उसको रुचि नहीं होगी डिस्कार्ड करने में, और जो नई चीजें हैं उसको डालना पड़ेगा तो उसको डेवलप करने में उसकी कॉस्ट आएगी, तो इतनी कॉस्ट आ जाएगी और वो डिस्कार्ड करने की अपने आप में कॉस्ट होगी क्योंकि मार्केट से सारा पब्लिश कंटेंट उठाना पड़ेगा। तो आप वो चीज पढ़ रहे हैं जो कि पहले चल रही थी, आज के टाइम में जो सिर्फ आपको इतना ही करना पड़े जो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट देने की संभावना होगी। इसका मतलब ये कंटेंट इतना है आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट दे सकता है अगर आप ये इतने ही टेस्ट कर लें। हालांकि ये टेस्ट भी लगभग 200 के आसपास हो जाते हैं, 150-200 टेस्ट हो जाते हैं अगर आप इतना ही टेस्ट कर लें, और सिर्फ इसमें क्या है कि वैरायटी क्वेश्चन कर लें तो आपका काम है वो बहुत जल्दी हो सकता है। तो आमतौर पर स्टूडेंट इसकी बजाय वो ट्रैप में फंस जाते हैं ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ लर्निंग के। नोट एन ऑनलाइन टेस्ट टेकिंग अप्रोच टू गेट सक्सेस। बहुत सारे स्टूडेंट, अगर मैं किसी से आपसे पूछूं कि पिछले एक हफ्ते में बताओ आपने कितने ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या सीजीएल का टेस्ट दिया आपने टायर वन का, तो आमतौर पर एक घंटे का एक टेस्ट होता है क्योंकि क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 60 मिनट में करना होता है, ज्यादा से ज्यादा आप एक घंटे का रिव्यू कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तो एक टेस्ट देने में मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे आपको। तो डेफिनेटली 3-4 टेस्ट या 2-3 टेस्ट तो दे ही सकते हैं हर रोज। तो पिछले हफ्ते में क्या एक हफ्ते में आपने 20 या 22 टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने डेफिनेटली नहीं दिए होंगे, क्योंकि जब मैदान में उतरते हैं ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो कई तो हेजिटेट करते हैं, उतरना ही नहीं चाहते मैदान में। दूसरा क्या है कि कईयों की आदत नहीं है कि हमें टेस्ट देना चाहिए, वो सिर्फ नौकरी लगना चाहते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन जिस जो एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए नौकरी लगने के लिए उसके वो आसपास भी नहीं होते। नेक्स्ट 40 डेज अब आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 170 का टारगेट रखेंगे, अगर आपके 100 आ रहे हैं 120 आ रहे हैं तो फटाफट स्कोर को इंक्रीज करने की जरूरत होगी। और दो कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं, एक तो वो स्टूडेंट हो सकते हैं आज के टाइम में जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जीके का मान लो बायोलॉजी नहीं किया है, केमिस्ट्री नहीं की है, फिजिक्स नहीं की है, इकोनॉमिक्स नहीं की है, पॉलिटी नहीं की है, ज्योग्राफी नहीं की है, हिस्ट्री नहीं की है, या फिर रीजनिंग नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो मैथ के पीछे पड़े रहते हैं या इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं और रीजनिंग बहुत स्कोरिंग आमतौर पर पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं उनको लगता है कि 20 क्वेश्चन करेक्ट हो गए तो उनका बहुत अच्छा स्कोर है, जबकि 25 क्वेश्चन है वो आमतौर पर कर सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब आप बहुत ज्यादा रीजनिंग पे भी करेंगे। तो रीजनिंग एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, रीजनिंग इग्नोरेंस का सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दें, आपके लिए बहुत ज्यादा बैकफायर होगा, क्योंकि 10 नंबर यहां पे बहुत आसानी के साथ बढ़ा सकते थे आप, लेकिन वो आपने बढ़ाया नहीं। और आमतौर पे क्या होता है कि जो मैथ में अट्रैक्टिव सी चीजें होती है ना, जैसे कोई ट्रिक हो गया या कोई मुश्किल क्वेश्चन हो गया, वहां पे भाग जाते हैं स्टूडेंट, वो क्या व्यूअरशिप बढ़ा सकता है सोशल मीडिया की, लेकिन स्टूडेंट को अल्टीमेटली बहुत ज्यादा स्कोरिंग करने में हेल्प नहीं करेगा। ऑलरेडी नो, और ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं दूसरी कैटेगरी जो कि लगभग सब कुछ आता है उनको, थोड़ा बहुत मार्जिन से रह गए होंगे पीछे, तो उनको जस्ट प्रैक्टिस करनी, क्योंकि उसने सिलेबस कर चुका है और जो प्रैक्टिस है वो फटाफट उनको 8-10 घंटे डेली प्रैक्टिस करके अपना स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। 40 डेज का टाइम बचा हुआ है आपके पास में, अगर हर दिन 10 घंटे माने, किसी के पास 8 होगा, किसी के पास 12 होगा, लेकिन मुझे लगता है आपको 40 दिन में 10 घंटे तो डेली देना ही चाहिए इफेक्टिव स्टडी। तो 400 आवर्स है आपके पास टाइम बचा हुआ है, इस 400 आवर्स में आपका करियर बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा उसका।
ये कॉम्पैक्ट इंटेंसिव प्लान्ड लर्निंग होनी चाहिए इस दौरान, मतलब कि आलतू फालतू की चीजें कुछ नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया का इधर उधर भटकाव नहीं होना चाहिए, आप थंबनेल के जो कंटेंट होते हैं ऊपर उससे भटकने की जरूरत नहीं है आपको। इंटेंसिव प्लान्ड लर्निंग, हाई डिग्री ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, कि आपको स्कोरिंग पे फोकस करना है, कहाँ कहाँ पे आपकी कमी है उसको इंप्रूव करते हुए स्कोरिंग के ऊपर फोकस करना है। और पहली कैटेगरी में अगर आप स्टूडेंट है जिन्होंने अपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो आप 50% टाइम अपना थ्योरी पे दे सकते हैं, लेकिन 50% टाइम ऑनलाइन प्रैक्टिस पे देना होगा। कई स्टूडेंट की एक आदत होती है, या कोई सोचते हैं कि पहले मैं सिलेबस कर लूंगा, सिलेबस कभी भी ऐसा कंप्लीट होगा नहीं कि उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका एग्जाम आ जाएगा लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी, और बिना प्रैक्टिस एग्जाम में बैठेंगे तो डेफिनेटली 1 घंटे में अगर आपको आता भी होगा तो वो चीजें पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप अपने आपको एग्जाम में मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिशन के, वो स्पीड आपकी टेस्ट करते हैं, आपका सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करते, नॉलेज एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लेकिन उससे कोई जॉब लगने वाली नहीं है। उस एग्जाम को मैनेज करने के लिए टाइम और रिसोर्सेज मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कैटेगरी 2 है 100%, वो ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वहां से भी बहुत कुछ उनको, अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो लर्निंग मिल सकती है। तो 50-50 अप्रोच जो थ्योरी ऑनलाइन वाली है, उसमें 200 घंटे थ्योरी, 200 घंटे ऑनलाइन टेस्ट, और 200 घंटे अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो जैसे उन वो किस चीज पे फोकस करें, उनको वेराइटी क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन को अगर आप वेराइटी पे कमांड हो जाती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो 25 क्वेश्चन अगर मैथ में आते हैं तो 13-14 क्वेश्चन तो एडवांस मैथ से आते हैं, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं वो डाटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं, जो कि आमतौर पर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी 7-8 क्वेश्चन होते हैं वो दूसरे सभी सब्जेक्ट से आते हैं, चैप्टर से आ जाते हैं, जो कि 20-21 चैप्टर उसमें से, इसका मतलब बहुत सारे चैप्टर थे एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। तो आप और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आसान आसान है, तो अननेसेसरी का टाइम है, आपको थ्योरी पे इतना भी ज्यादा नहीं खर्च करना है। तो वैरायटी क्वेश्चन करने से आपका काम हो जाएगा, ट्रिक्स आपको अगर आती है तो आपका स्पीड बनेगी, उसको हेल्प करेगी, तो ट्रिक्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग को आप ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब कोई तुक नहीं बनता कि एक ही चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस या वर्क एंड टाइम है या एवरेज है, जिससे एक भी शायद क्वेश्चन ना आए और आप है एक हफ्ता उस पर टाइम खराब कर दें और 400 क्वेश्चन कर लें, और कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं कि 99 से लेकर आज तक 2016 तक 2015 तक जो आए थे वो सारी चीजें आपने पढ़ ली, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो वो चीजें जरूरत भी नहीं थी आपको, क्योंकि क्योंकि 7 या 8 क्वेश्चन जो आने थे वो चैप्टर पे इतना जरूरत से ज्यादा आपने फोकस कर लिया, और वो भी उन क्वेश्चन पे कर लिया जो कि पहले थे जो किताबों में आपके नजर आ रहे हैं। आज के टाइम में जो ट्रेंड है वो ऐसा नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अननेसेसरी टाइम कर आप करने के बजाय आपको जो नया पैटर्न है उसमें स्कोर ज्यादा करना होता है। जो आप कर रहे हैं हो सकता है उस पर आप 100-110 स्कोर आपको ज्यादा लगे, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में तो आपको 170 तक करना है। तो वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जिस ढंग के क्वेश्चन आ रहे हैं वो रेलिवेंट करते हुए नए पैटर्न पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने पे फोकस करना है। लो सिंपल क्वेश्चन आमतौर पे होते हैं, हाई स्कोरिंग होते हैं, जैसे 20-20 का मैच होता है ना कि उसमें फटाफट छक्के मारने चौके मारने, तो उसी तरह से ये एग्जाम चल रहे हैं आज के टाइम में। आपको कोई बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पीएचडी करने नहीं है किसी सब्जेक्ट में, आप ग्रामर जरूर आना चाहिए, क्योंकि बगैर ग्रामर है बहुत मुश्किल हो जाता है वो के और ग्रामर के अच्छा स्कोर करना। तो डेफिनेटली इनमें बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, रूल्स वगैरह आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर आ जाता है जीके और थ्योरी। जीके यहाँ पे बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो जैसे कि मैंने बताया आसान आसानी ज्यादा नजर नहीं मुश्किल नजर नहीं आएंगे, तो 24-25 क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट कर देते हैं, इंग्लिश में भी हो सकता है कर दें, रीजनिंग में भी कर दें। इंग्लिश और जीके है वो ऐसा होने वाला है, स्पेशली जीके, जिसमें कि वास्ट सिलेबस होने की वजह से कई बच्चे तो डर के मारे ही सिलेबस को कवर करने की कोशिश नहीं करते और पहले हथियार डालने की कोशिश करते, तो जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, अच्छा खासा आपको इसको स्टडी करनी पड़ेगी और बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप फटाफट सिलेबस को कंप्लीट करें। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि सिलेबस को जरूर कंप्लीट करें और कोई चारा नहीं है, सिर्फ इधर उधर भटकते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। 200 आवर्स ऑनलाइन टेस्ट आपको, बाकी जो 200 है इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 400 घंटे अगर आपके पास है तो 200 घंटे फिर ऑनलाइन टेस्ट पे देने चाहिए, और कम से कम 100 टेस्ट तो जरूर करें। 100 टेस्ट देखो, एक टेस्ट करने में 1 घंटा लगता है आपको ऑनलाइन, 1 घंटे आप मैक्सिमम मान सकते हैं एनालिसिस करें तो एक टेस्ट है 2 घंटे में हो जाएगा, और तो 100 टेस्ट है 200 घंटे में हो जाएगी, तो आपको कॉम्पैक्ट रखना चाहिए, मतलब आप इसमें कोई भी टाइम खराब नहीं करते हुए कॉम्पैक्ट टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि 100 टेस्ट मुझे करने करने हैं, वो आपको जॉब दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। पिनेकल ऑफर्स 2 प्रोग्राम। अब यह आता है कि पिनेकल क्या कर रहा है इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए 40 डेज में। अगर आप पिनेकल को ज्वाइन करते हैं तो
हमारे पास दो प्रोग्राम है। अगर प्रियंकल को नहीं ज्वाइन करते हैं तो जो मैंने अभी आपको इनपुट दिया है उसके आधार पर आप अपनी प्लानिंग खुद भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, हमारी मदद लेना चाहते हैं, तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो वो टायर 1 CSSL 40 डेज, जो हम आपको प्लानिंग बनाकर देंगे डे वाइज। अगर आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हुआ है तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें कि वीडियो लेक्चर्स हैं, PDF फाइल है और ऑनलाइन टेस्ट है। आपको 100 टेस्ट है वो करवाया जाएगा, सारे सिलेबस है वो करवाया जाएगा, वैरायटी क्वेश्चन है, मैथ में कौन से आते हैं, रीजनिंग में कौन से आते हैं, इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए, GK में सारी थ्योरी है फटाफट आपके कंप्लीट है वो करवाई जाएगी, जिससे कि आप जब टेस्ट करें तो ज्यादा से ज्यादा जो स्कोर है वो कर पाएं। क्योंकि टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे भी जब आप 100 टेस्ट करेंगे 10,000 क्वेश्चन तो वहां पे भी आपके कवर हो रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आपका सब कुछ कंप्लीट है सिलेबस वगैरह और कोई दिक्कत नहीं है, कैटेगरी 2 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टायर 1 200, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं विद और विदाउट वीडियो, बिना वीडियो भी है, विद वीडियो है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, तो 70 टेस्ट हमारी एक प्रोग्राम है जो कि CHSL में पिछले बार आए थे, वो टेस्ट आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर फॉर रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे पे हमने स्टूडेंट के लिए स्पेशल स्कीम निकाली है, जिसमें स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। और क्या है कि CHSL है उसकी कॉस्ट 6,000 है, लेकिन अभी आपको वो 2,000 में आप इस दौरान ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सब कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल होती है, इसका मतलब आप ये जो कोर्स है, अगर आप जैसे वीडियो है वो आपके पास होने 1 साल तक, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं, जैसे CGL वगैरह वहां पे भी यूज कर सकते हैं, और दूसरे किसी एग्जाम में जैसे CPO उसमें भी वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो हर प्रोग्राम की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की होती है। लेकिन जो ऑनलाइन कोशिश कीजिए कि हमारे जो कोर्स है, हार्ड ड्राइव कोर्स है या ऑनलाइन कोचिंग कोर्स है, वो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें वैलिडिटी भी ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव टायर 1 टायर 2 टायर 3 टायर 4 हर तरह की चीजें कवर करती है, और अल्टीमेटली आपको सस्ता पड़ता है और कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें कर सकते हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती। टायर 1 200 टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद वीडियो है, वो अभी आपको 1500 200 टेस्ट है वो मिलेंगे, और विदाउट वीडियो अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी जो डिस्काउंट के टाइम में आपको 500 रुपीज में 200 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जितने भी जैसे CHSL में आए हैं 70 टेस्ट वो हमने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, 40 सेट है वो इंक्लूड करके हैं, CGL टायर 1 2017 के 16 के 2 CGL के टेस्ट हैं वो इंक्लूड कर रखे हैं, तो आप ये देखिए, और मॉडल टेस्ट जो नए पैटर्न पे हैं वो, और वैरायटी क्वेश्चन के वो इंक्लूड कर रखे हैं, तो हर तरह की चीज जो रेलेवेंट है वो सारी इंक्लूड कर रखी है। 70 टेस्ट, या आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं CHSL प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल 70 टेस्ट आए हैं विद वीडियो, जो कि अभी डिस्काउंट के बाद में है आपको 600 रुपीज का, और विदाउट वीडियो 200 रुपए का। सिर्फ 70 टेस्ट हैं वो भी करेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, और उसकी कॉस्ट है, जो कि विदाउट वीडियो का मतलब है एक्सप्लेनेशन मिलेगी, लेकिन आपको वो टेस्ट पोर्टल पे मिलेगी, और इसमें जो विद वीडियो में होता है वो एक्सप्लेनेशन वो भी मिलती है टेस्ट पोर्टल पे, और साथ में वीडियो भी एक्सप्लेन होता है, जैसे आपने कुछ एक सैंपल वीडियो हमारे यूट्यूब वगैरह पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट वगैरह पे देखे होंगे। तो इसकी कॉस्ट है 200 रुपीज ओनली, और इसकी कॉस्ट है 600 रुपीज टिल 26 जनवरी, जो रिपब्लिक डे है उस तक ये स्पेशल ऑफर होगा, जो आप यूज कर सकते हैं। अब इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए SSCCGLPinnacle.com, इस वेबसाइट पे जाकर, जो कि लिंक हमने मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप वो भी ज्वाइन उस लिंक पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो राइट साइड में आपको ये प्रोडक्ट नजर आएंगे, वहां पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो वो पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, वहां से आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जिस जो भी मोड आप ऑनलाइन यूज करना चाहते हैं पेमेंट का, वहां से यूज करके आप पेमेंट करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो विद इन 2 वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर हमारे होते हैं 9 बजे से लेकर और 5 बजे तक, इस दौरान मंडे टू सैटरडे होते हैं, मंडे टू सैटरडे, इस दौरान आपको कंटेंट मिलेगा। इस रात को अगर कोई खरीदता है तो रात को कंटेंट नहीं मिलेगा, आप खरीद सकते हैं, खरीद किसी भी टाइम सकते हैं, लेकिन जो ईमेल में आपको यूजर आईडी, पासवर्ड या जो लिंक आते हैं वो वहां पे आएंगे, वो वर्किंग आवर्स के दौरान ही होते हैं, तो आप वेट कीजिए। कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि पहले ही रात के टाइम ही ईमेल बाजी करना स्टार्ट हो जाता है, इससे हमारा काम भी बढ़ जाता है और कॉस्टिंग बढ़ जाती है, क्योंकि एक ईमेल की जो कॉस्ट होती है लगभग 50 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में चले जाती है। आपने टेस्ट सीरीज खरीदी 200 रुपए की, हमने 18% टैक्स दिया, सर्विस टैक्स दिया, तो हमारे पास आते हैं 150, उसमें से ईमेल बाजी में आप खर्च करवा देते हैं इतना, तो इससे क्या है कि ओवरऑल जो प्रोग्राम है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इससे ज्यादा स्टूडेंट है वो हम कवर नहीं कर पाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि सस्ते से सस्ते में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को कवर किया जाए, तो उससे उसमें फिर दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है कि अननेसेसरी ईमेलबाजी करने से।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रोग्राम है 40 डेज का आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा और आपको जो डी फोकस अगर कोई हो गया है तो उसको वापस ट्रैक पे लाने में मदद करेगा, प्रैक्टिस करवाने में मदद करेगा और जॉब दिलाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।